हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान सिंगल कलर का पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कार्डिगन, कोटी, जैकेट, जेंट स्वेटर, बच्चों के ऑल प्रोजेक्ट, कैप, मफलर, शॉल, ब्लैंकेट आदि में बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है। और ये पैटर्न हमारा दोनों साइड से बनके बहुत ही सुंदर आता है। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 10 नंबर की सिलाई है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले फंदे डाल लेने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे 2 के मल्टीपल में डालने हैं और 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट फंदा डालने के लिए ऐसे धागे को फोल्ड कर लेना है और ये सिलाई में डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए। फिर देखिए, नेक्स्ट फंदा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऐसे अंगूठे के सारे से धागा घुमाएंगे, फिर इसको ऐसे सिलाई में डालेंगे और फिर देखिए, ये दूसरे हाथ से धागे का दूसरा सिरा ऐसे सिलाई में लपेट लेंगे। और ये देखिए, इसके ऊपर से इस धागे को स्लिप करेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट फंदा बन गया। फिर यही प्रोसेस आगे हम रिपीट करेंगे। तो देखिए, ये ऐसे हमने धागे को घुमाया अंगूठे के सारे और इस सिलाई में डाल देना है। फिर देखिए, दूसरा धागा ऐसे सिलाई में लपेटेंगे और जो धागा हमारा अंगूठे में है इसको इसके ऊपर से ऐसे स्लिप करके ये नेक्स्ट फंदा बन गया। यही प्रोसेस आगे रिपीट होगा। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लेंगे। देखिए, यहाँ पे ये 14 फंदे डाले हैं मैंने। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालोगे। और देखिए, फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो फ्रंट साइड से ये पहला फंदा उतार लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट फंदे हमने सीधे बुन लेने। फर्स्ट रो में सारे फंदे सीधे आ जाएंगे। ये देखिए, फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, जो नेक्स्ट फंदा है, इस नेक्स्ट फंदे में देखिए पैटर्न किस तरीके से आएगा। जो सिलाई में फंदा है इसको छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और ये देखिए, सेकेंड नंबर के फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। ये देखिए, और ऐसे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट फंदा हमने सीधा बुनना है। तो देखिए, जो सिलाई में फंदा है इसको छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और सेकंड नंबर के फंदे में ये देखिए, इस होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए, जो सिलाई में फंदा है इसको छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और सेकंड नंबर के होल में ये देखिए, इसमें सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा। सिलाई वाला फंदा छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और सेकंड नंबर के फंदे में सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा, एक फंदा सीधा आ जाएगा, एक फंदा उल्टा आ जाएगा, फिर देखिए लास्ट का फंदा भी हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो देखिए, बैक साइड से हमारी सेकंड रो
कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो, अब थर्ड रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। तो देखिए यहाँ पे रिपीट रो, पहला फंदा उतार लेंगे और फ्रंट साइड से थर्ड रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, फोर्थ रो को हमने सेकंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है बैक साइड से। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, अब देखिए जो सिलाई में फंदा है इसको छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और सेकंड नंबर के फंदे में ये देखिए जो ये होल दिखाई दे रहा है इसमें सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए एक फंदा सीधा आ जाएगा। तो सिलाई वाला फंदा छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे, ऐसे देखिए इस सेकंड नंबर के फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा आ जाएगा, एक फंदा सीधा आ जाएगा, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा आएगा जो, तो उसको सिलाई वाला फंदा छोड़ के ऐसे चेन में आएंगे और सेकंड नंबर के फंदे में सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा भी उल्टा आ जाएगा। ये देखिए ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, फिफ्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। फिफ्थ रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है और इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये फ्रंट साइड है और ये देखिए ये हमारे पैटर्न का बैक साइड। ये पैटर्न हमारा दोनों साइड से बहुत ही सुंदर आ जाता है। आप इसे अपने प्रोजेक्ट में किसी भी साइड से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक।